हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एनके सैनी और आप देख रहे हैं हेल्प एनी टाइम। जैसा कि आपको थंबनेल दिखाई दिया होगा, आज मैं आपको यहां पर ऑनलाइन वोटिंग के बारे में बताने वाला हूं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपने घर से बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, और वो वोटिंग के लिए घर नहीं जा पाते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो YouTube पर आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन जो है वोटिंग कर सकते हैं, और साथ ही वो दावा भी करते हैं कि आप जो है घर बैठे मोबाइल से जो है अपनी वोटिंग कर सकते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, घर बैठे आप उसे वोटिंग कर सकते हैं। किसी भी विधानसभा क्षेत्र की या किसी भी तरह की जो है आप वोटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और वो एक ऐसा फर्जी सा ऐप भी वहाँ पर दिखाते हैं कि आप इस ऐप के ज़रिए जो है वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत सरकार ने अभी तक ऑनलाइन जो वोटिंग का सिस्टम है वो चालू नहीं किया है। किसी भी तरह का ऑनलाइन सिस्टम अभी तक वोटिंग के लिए चालू नहीं हुआ है। तो आप उन फर्जी वीडियोस की जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस जिसमें बताया गया है कि आप घर बैठे ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं, तो ऐसी वीडियोस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। ऐसी कोई भी अभी तक सिस्टम भारत सरकार ने नहीं लाया है जिसमें आप घर बैठे हुए ऑनलाइन वोटिंग कर सकें। तो ऐसे वीडियो से आप बचे रहिए। और जो है वोटिंग सिर्फ अभी तक मैनुअली है, आपको जो वोटिंग बूथ है वहाँ पर जाना पड़ेगा और तभी आप जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने पसंदीदा नेता को जो है विजयी बना सकते हो वोट दे करके। तो ऐसी फर्जी वीडियो से आप बचे रहिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक बनता है फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।